गाइस अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, रात के 8 बजे क्यूलिना 44। सो हम डिनर करने जा रहे हैं, लेट्स सी मतलब डिनर बुफे है यहाँ पे। ओके सो अभी हम लिफ्ट में हैं एंड लुक एट माय ड्रेस कैसी लग रही है, गोइंग येलो येलो। So guys, this is one of my favorite place. I love sweets. So guys, हम आ गए हैं बुफे करने। यहाँ का एम्बियंस फर्स्ट थिंग इज रेस्टोरेंट का बहुत ही अमेजिंग है, एंड सेकेंड चीज़ मैं यहाँ पर मीठा मीठा लेके आई। यहाँ पर इन्होंने स्टार्टर्स में क्या क्या लिया है? वेज फ्राइड वॉन्टन। ओके, व्हाट इज वॉन्टन? दही के कबाब। ओके, वेयर इज दही? अच्छा, दही के बने हुए हैं। ओके, मैंने यहाँ पे लिया है मैंगो पुडिंग एंड आई थिंक दिस इज़ रसमलाई एंड दिस इज़ पुडिंग है, ये हमने भी बनाया था घर पे, ट्राई किया था, राइट? एंड दिस इज़ पेस्ट्री, चॉकलेट पेस्ट्री, एंड बस मुझे जल्दी से ट्राई करना है। बताओ ना जल्दी जल्दी। कह रहे मुंह का तो जो कढ़ाई चिकन एंड दिस इज बटर चिकन है ना, वो इतना अच्छा नहीं था, वो दिखाई दिया था और मीठा हो गया मेरा। मतलब लोग डेजर्ट बाद में खाते हैं, मैं पहले खाती हूँ। मेरा हमेशा उल्टा रहता है, अकेले अकेले खा रहे हो, मुझे भी खिला दो थोड़ा। हमने खाना खा लिया है और वहाँ पर पिज़्ज़ा रेडी नहीं हुआ था तो हम ऊपर ही ले आए थे, मैं दिखाती हूँ पिज़्ज़ा आपको। सो हियर इज़ द पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरा टमी बिल्कुल फुल है, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है खाने का। और अब यहाँ पे कवर हो गया। और गाइस अभी मैं बात लेने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाथ टब है और मुझे हॉट बाथ लेने का बहुत मन कर रहा है। आई एम सुपर डुपर टायर्ड, कल फोटोशूट करूँगी। यहाँ पर मैंने अपना ट्रैवल बैग रख दिया है तो इस पर वीडियो शूट करना चाहती हूँ। एंड दैट्स इट गाइस, सो कल मिलती हूँ अब मैं सीधा आपसे, क्योंकि अब मैं हॉट बाथ लेने के बाद रेस्ट करने वाली हूँ। मजी वाला बाय। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सो सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं और हम जस्ट हॉटमिल होके आए हैं। मेरे से गलती से ना दरवाज़ा लॉक हो गया, लाइक जो कार था वो रूममेट रह गया और मैं बाहर आ गई, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। अभी हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद यार कभी टॉयलेट मतलब है यहाँ का इशू, खैर ऐसा कोई इशू नहीं होगा। और बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करके घूमने जाएंगे ना। ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा घूमने जाएंगे। इशू हो रहा था जिसकी वजह से ब्राइटनेस लेवल ना बहुत ज़्यादा यू नो डार्क हो गया था,
एंड अभी जस्ट हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं अगर मुझे फ्रेश होना हुआ, क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं एंड मैं सारी रात परेशान रहती हूँ बिकॉज ऑफ माई पेन. मेरे टमी में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पेन रहता है, तो मुझे नींद यू नो प्रॉपर तरीके से आती नहीं है. करीबन मैं 3:30-4 बजे के आसपास सो रही थी, तो उस हिसाब से अभी 9:30 हो रहे हैं, मैं उठ रही हूँ और बस अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि जिम में जाएंगे. सर भारी हो रहा है और चलो मैं आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ. सर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर मैंने योगर्ट लिया है, मन कर रहा था स्ट्रॉबेरी योगर्ट का, एंड मफिन वगैरह है, वाटरमेलन जूस है एंड आई डोंट नो बाकी क्या चीज़ है. ओके थैंक यू. और इनके लिए कॉफ़ी लेके आया हूँ क्योंकि कॉफ़ी अभी मेरी अलाउड नहीं है. वाटरमेलन जूस सबसे पहले लेती हूँ ताकि मेरे टमी के लिए. अभी लेके आए हैं इडली. ये कैसी इडली है? सांभर रह गई, सेवियाँ हैं, पोहा है एंड ये क्या था? मसाला बड़ा एंड चटनी. और योगर्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, कोल्ड कॉफ़ी और हमारी ब्रेड ऑमलेट. पैनकेक्स कैसे हैं? हम जा रहे हैं घूमने. कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता. लो हम निकल लिए हैं लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं. मेरे बैग की चेन टूट गई. नया बैग बनता है? नया बैग नहीं बनता. मैं बट आई हैव सो मेनी बैग्स, तो लेने का कोई फायदा नहीं है. साथ में मैंने कैरी बैग रखा है जिसमें मेरी दवाइयाँ है. चलो पार्किंग ऐसे कहना है, पार्किंग में जाके मैं रखी हूँ. हम जा रहे थे नोएडा DLF मॉल ऑफ इंडिया, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई और वापस जा रहे हैं होटल बिकॉज मैं सो भी चुकी. एक सेकंड, शायद थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए. तबीयत बहुत खराब हो गई एकदम से और मैं 20 मिनट के आसपास मैं सो भी ली. बहुत अजीब सा हो रहा है जैसे बस लेट में है. हम अभी रूम में आए हैं और इन्होंने एक महान काम किया है. आप बताना गलती किसकी है, बताओ, एक्सप्लेन करो. हमें कंटेनर लेके आए थे बड़ा जिसमें केक था, ठीक है, तो केक बच गया था तो मैंने कंटेनर के ऊपर नोट छोड़ दिया कि प्लीज थ्रो इट इन द बिन. एक बात बताओ, जो बोलेंगे कि थ्रो इट इन द बिन तो उनको क्या पता चलेगा कि मतलब कंटेनर के ऊपर लिखा हुआ था ना केक, उनको क्या पता कि इसके अंदर क्या है. उन्होंने कंटेनर फेंक दिया तो ऑब्वियसली वो तो फेंक ही नहीं क्योंकि आपने लिखा ही ऐसे था. अरे घर में कुछ आपने खाना कंटेनर के बाहर लिखा था ना. अरे कंटेनर के बाहर लिखा था लेकिन घर में कुछ खाना बच जाता है और वाले प्लेट में कुछ बचा हुआ, मैं तो जो बोल रहा हूँ ये फेंक दे, तो प्लेट थोड़ी फेंक दे उठा के खा, वो जो बचा हुआ वही तो फेंक दे. तो हमने रूम क्लीन करा लिया है और लुक एट माई फेस, मैं टायर्ड हूँ बहुत ज़्यादा. खाना मंगा लो, हमने चॉकलेट्स ली थी रास्ते से. और ये देखो हमारे होटल के बाहर ट्रेन भी चल रही है, मेट्रो. एक सेकेंड, हाँ दिख रही है पीछे. और हमने थोड़ा सा फोटो शूट भी किया, इन्होंने नहीं किया, खैर मैंने ही किया है जितना हो सका. और चलो बैक कैमरा से 200 के आसपास का, I don't know, लेकिन नुकसान तो हो गया ना. तो चलो मैं बैक कैमरा से एक बार अपना ड्रेस दिखा देती हूँ आपको और फिर मैं करूँगी रेस्ट और खाना खाएंगे, है ना. जल्दी से ऑर्डर कर लो कुछ. हियर इज माई ड्रेस जो कि सफारिस ब्रांड की है फ्रॉम मिंत्रा और अच्छी लग रही है, बहुत ही कम्फर्टेबल है सी ये. सो गाइज अभी हमने मंगाई है बिरयानी एंड ये वो होते हैं ना सालन बोलते हैं इसको. एंड दिस इज रायता, दिस इज हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिले थे पापड़ और इनकी सैलेड देखो. सो गाइज
गाइस, सो अभी जस्ट मैंने बात की है और ये भी सो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा फोटो शूट करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस मंगाई है और अच्छी लग रही है ड्रेस काफ़ी। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी तो खाना वाना खा के हम सो गए थे, और दिखाऊंगी अभी बैक कैमरा से आपको अपनी ड्रेस। ये देखो, ये आपके सो रहे हैं, तो जब तक ये सोते हैं मुझे एक वीडियो शूट करना है, प्लस लाइटिंग का इशू है क्योंकि आधी लाइट हमने बंद कर रखी है, और थोड़ी सी फोटोज़ वगैरह और रील्स बनाऊंगी जो कि आप इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करना। तो गाइस, आज हमने बहुत सारी रील्स, सो गाइज आज हमने बहुत सारी रील शूट की है, फोटो शूट किया है, ट्राइपॉड आप देखो मेरा पूरा रूम मैस है, वीडियो शूट किया, बहुत मजा आया। ना अब हम जा रहे हैं लंच करने, नहीं यार रात का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं डिनर करने, सो इनको भूख लगी है, भाई तोड़ना नहीं इनका दरवाजा, कार्ड निकाल दिया ना, हमसे क्या हुआ, मतलब हमसे नहीं मुझसे क्या हुआ, मैंने जो कार्ड है वो अंदर ही छोड़ दिया था और मुझे लगा इन्होंने निकाल दिया। सो अभी हमारा बुफे है यहाँ पे, तो मुझे भूख वैसे है नहीं, पता है क्या होता है, मतलब मुझे ना हर्ट बर्न होता है, ऐसा लगता है तो बहुत जलन होती है, तो आज मैंने अभी हम ट्रिप पे आए हैं ना, पूरी रात मुझे कल प्रॉब्लम रही थी, ब्रेकिंग की प्रॉब्लम रही थी बहुत ज़्यादा, और अभी देखते हैं हम बाहर घूमने जाएंगे नहीं जाएंगे। फिर पहुंच गई हूँ खाना खाने ऐसा लग रहा है कुछ दिखाने को है नहीं, सोते हैं खाते हैं पीते हैं मौज मार रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही यम्मी यम्मी पेस्ट्री है, बैक कैमरा से भी आपको दिखाऊंगी, अमेजिंग। सो नवली डेजर्ट्स देख रही हूँ, सो रसबेरी पन्ना, ठीक है ट्राई करते हैं, आज का केक यम्मी लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ से तो इस वाले एरिया से मेरी कोई मतलब की चीज़ नहीं है, बाकी ये वाली पेस्ट्री मुझे ट्राई करनी है, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक। ओके, सो हियर इज द एम्बियंस, ये पहले स्टार्टर्स ट्राई करेंगे और मैं पहले मीठा ट्राई करती हूँ हमेशा। मैंने डेजर्ट में ये तीनों चीज़ें ली हैं, अच्छा फॉग, ओके वन सेकेंड, ओके सो इन्होंने अभी स्टार्टर्स ट्राई कर रहे हैं, एंड हियर इज लेमन आइस टी, हियर इज वर्जिन वाटर। गाइस अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने, खैर हमारा मन था कि हम मॉल घूम के आए, लेकिन पता है क्या होता है, मतलब मैं ट्रैवल करती हूँ मेरे पेट में दर्द होने लग जाता है और गाड़ी में बैठा नहीं जाता मुझसे, एकदम से इतना बुरी तरीके से होता है कि जैसे मैं बता रही थी ना कि ऐसे हैवी ब्रेथ हो जाती है और मतलब सांस लेने में ऐसा लगता है जैसे बहुत दिक्कत हो रही है, और मॉल हम पहुंच चुके थे, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, है ना, हाँ दिखाती हूँ चलो मैं कि कौन से मॉल आ रहे थे। ये देखो सामने ये मॉल दिख रहा है आपको, कौन सा है, एक तो ग्रैंड मॉल है, हाँ वो सारा मॉल है, हाँ ये देखो, तो हम एक सेकेंड सोच रहे थे कि हम मॉल जाए, लेकिन फिर ये है ना पेट में बहुत पेन हो रहा है, तो आइसक्रीम खाने के बाद हम चलते हैं अब होटल और फिर वहीं पे टाइम स्पेंड करेंगे। गाइस बेसिकली ये जो ट्रिप है ना हमारी छोटी सी, ये मतलब ये कि काम से थोड़ा सा जो स्ट्रेस रहता है ना काम का, हर टाइम की सारा टाइम काम 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 का, उससे हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला है और एक दूसरे के साथ हमने टाइम स्पेंड किया है बहुत अच्छे से। तो आपके दो दिन कैसे बीते, कल हम घर चले जाएंगे, मतलब वैसी वाली फीलिंग नहीं थी इतनी जैसे हम घूमने आए हैं, लेकिन पर फिर भी अच्छी थी। हाँ मतलब ये है ना कि एक ये रहा ज्यादातर होटल रूम में, राइट और ज्यादा गए बिकॉज़ ऑफ मेरी तबीयत, क्योंकि जैसे इनसे पूछो पर बताना, मुझे तो मेन ये रहा ना कि काम से थोड़ा फ्री हो गया तो वो चीज ज्यादा बेटर लगी, तो वही चीज है कि थोड़ा सा मतलब इनको और हाँ घर में रह रहा कि यार मतलब वर्क फ्रॉम होम जिनका होता है वो ये समझ सकते हैं कि 24 घंटे एक आदमी का घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, चार ऐसे लग रहा है लॉकडाउन लगा, तो ये है ना कि मतलब काम में लगे रहते हैं, फिर शाम के टाइम ये जिम चले जाते हैं, इनका शेड्यूल ये रहता है और दिन में। ओके तो चलो आइसक्रीम, ओके नहीं नहीं मैं रख रही हूँ, तो मैं इनको ड्राइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उस साइड से दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरा हाथ अड़ रहा है, तो चलो आइसक्रीम खाने के बाद मतलब जब आइसक्रीम खाएंगे तब मिलती हूँ आपसे। सो गाइस हमने आई हाय फिर से बंद कर दिया ये लाइट,
हमने आइसक्रीम ले ली है। सो मैंने एक बात बताना, मदर डेरी का था इसका क्रीम बेल के आइसक्रीम कैसे अभी? मदर डेरी था, ओके। सो मैंने एक मैंगो ली है, एक ऑरेंज ली है, और पहले मैं खाऊंगी ऑरेंज। ऑरेंज का मन है, इन्होंने नहीं ली क्योंकि इनका मन नहीं कर रहा था खाने का। गाइज हम चेकआउट कर रहे हैं और अभी टाइम हो गया, 2 बज गए। हमने कॉम्प्लीमेंट्री तो 12 बजे चेकआउट था हमारा, तो हमने बोला कि थोड़ा सा हमें काम है, तो 2 बजे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री चेकआउट हो गया। और हाँ, ब्रेकफास्ट करके नींद आ गई, प्लस मेरी ना सारी रात से तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ही मैं बैग के फिर से चेन टूट गई यार। टूट रही है